नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं बीएस उपाध्याय विजुअल इफेक्ट कंप्यूटर डिजाइन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आशा है स्टूडेंट्स आप अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक फिर एक नई टॉपिक लेके आए हैं, जो टॉपिक आपके कोर्सेज के लिए ADCA DCA एंड CCC कोर्सेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही कॉमन तरीके से आपसे पूछा भी जाता है। तो हम आज जब कंप्यूटर लाइन में कदम रखते हैं तो कंप्यूटर के दो क्षेत्र होते हैं, जिसको दो टोपोलॉजी आप कहते हैं, यानी जो क्षेत्र, एक क्षेत्र होता है हार्डवेयर का, दूसरा क्षेत्र होता है सॉफ्टवेयर का, यानी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आज स्टूडेंट जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, इसकी परिभाषा इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, और ये सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रयोग सिस्टम पे क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि डिफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन क्या होता है। यानी आज हम कंप्यूटर लाइन में जब कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर के दो फील्ड होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर। तो आज हम जानेंगे स्टूडेंट कि सिंपल शब्द में सॉफ्टवेयर क्या होता है, डिफिनेशन कैसे जानेंगे कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, उसको हम कैसे संबोधित करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, किसे कहते हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर सिंपली सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा आर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। चेंज पैरा, दिस इज ए इन कंट्रास्ट टू फिजिकल हार्डवेयर फ्रॉम विच द सिस्टम इज बिल्ड एंड एक्चुअली परफॉर्म द वर्क। यानी सिंपल इंस्ट्रक्शन ये कहा जा रहा है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश देने के लिए जिस प्रोग्राम का यूज किया जाता है, उस प्रोग्रामिंग पर वर्क करने के माध्यम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये छोटा सा डिफिनेशन है, इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ऐसे प्रोग्राम जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनके कई प्रोग्राम एग्जाम्पल हैं, जैसे विंडोज है, वर्ड है, एक्सेल है, एक्सेस है, यानी कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल पे जो भी प्रोग्राम होते हैं जिनके द्वारा आप मोबाइल को ऑपरेट करते हो, मोबाइल को चलाते हो, एप्लीकेशन को चलाते हो, ये सारे को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर, जिसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आई स्टूडेंट सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, अगला टॉपिक देखते हैं। तो स्टूडेंट इसका डिफिनेशन एक हिंदी में भी आपके सामने है, जैसे जो स्टूडेंट हिंदी में डिफिनेशन लिखना लिखना चाहे वो हिंदी में लिखे, जो इंग्लिश में लिखना चाहे वो इंग्लिश में लिखे। तो ये दूसरा हिंदी में उसी डिफिनेशन को हिंदी में रखा है। इस सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या है हिंदी में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक हिस्सा है जिसमें डेटा या कंप्यूटर को निर्देश शामिल होते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर को संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के निर्देशों को सेट अर्थात कंप्यूटर प्रोग्राम्स का उपयोग होता है, जिन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन्हें ऐसे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर जैसे हिंदी में कहें वो इंग्लिश में जैसे है वैसे ही हिंदी में है। आइए आगे बढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके स्क्रीन पे है, सॉफ्टवेयर यानी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला से होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पहला लिख रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल को ऑन करते हैं, जिनके द्वारा हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल ऑन होते हैं, उन प्रोग्राम को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी उसको हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल में से देखिए देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर नीचे लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज प्रोसेसर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी जिनके माध्यम से किसी भी प्रोग्राम को, लैपटॉप को, डेस्कटॉप को ऑपरेट किया जाता है,
जिनके द्वारा सिस्टम बूट करता है, सिस्टम प्रोसेस करता है, ड्राइवर इंस्टॉल होता है, उन सभी को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगेन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनके माध्यम से हम किसी भी प्रोग्राम को ऑपरेट करते हैं। जैसे आप टैली पे बिलिंग का काम करते हो, जैसे आप वर्ड पे लेटर टाइप करते हो, जैसे आप एक्सेल पे अकाउंटिंग का काम करते हो, या पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन का काम करते हो, ऐसे एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या जनरल सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो ये स्टूडेंट्स दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो आशा है स्टूडेंट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आशा है स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनका प्रयोग सिस्टम पे क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन आपने देखा हिंदी में और इंग्लिश में, इनको ये सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आपने देखा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखा कीजिए, हर वीडियो उसी पर्पज से बनाया जा रहा है जो आपके कंपटीशन में आप एग्जामिनेशन सेक्शन के लिए या CCC पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, और जब ये वीडियो ऐसा है कि हर किसी को काम आएगा, जो आपके फ्रेंड मित्र सर्किल हैं उनको भी शेयर किया कीजिए, बताया कीजिए कि ये इस्तेमाल कैसे क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा है। दूसरा चीज़, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है इसके लिए एक बार सब्सक्राइब किया कीजिए, हमें भी समझ में आए कि ये वीडियो आपके कुछ काम आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अगला वीडियो जो आपके लिए, अगला टॉपिक हम बताएंगे, वो बताएंगे कि हार्डवेयर क्या होता है और हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो को देख पाने के लिए पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लिया लीजिए, क्योंकि वीडियो में जो भी वीडियो सबसे पहले बनाया जाए वो आपको प्राप्त हो। तो स्टूडेंट्स आशा है अच्छा लगा होगा वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।